टाइगर स्पोर्ट्स क्लब ने कारगिल पेट्रोल पंप के पास एक रेस्टोरेंट में सम्मान समारोह आयोजित किया। कार्यक्रम में क्लब से जुड़े लोगों ने शिव फेडरेशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष विजय सामा एवं सराफा स्वर्णकार व्यवसायिक कमेटी नमक की मंडी के नवनिर्वाचित महासचिव कुमुद वर्मा का गर्मजोशी के साथ सम्मान किया गया। टाइगर स्पोर्ट्स क्लब ने कारगिल पेट्रोल पंप के पास जेल रेस्टोरेंट में एक सम्मान समारोह आयोजित किया। कार्यक्रम में क्लब से जुड़े लोगों ने शू फैक्टर्स फेडरेशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष विजय सामा एवं सराफा स्वर्णकार व्यवसायिक कमेटी नमक की मंडी के नवनिर्वाचित महासचिव कुमुद वर्मा का गर्मजोशी से सम्मान किया। सम्मान से अभिभूत विजय सामा ने टाइगर स्पोर्ट्स क्लब को इस सम्मान के लिए शुक्रिया करते हुए कहा कि जूता व्यापारियों ने जिस उम्मीद के साथ उन्हें शू फैक्टर्स फेडरेशन का अध्यक्ष चुना है, वह उनके हर सुख दुख में रहेंगे। साथ ही जूता व्यापारियों की समस्याओं को शासन प्रशासन के समक्ष उठाते रहेंगे। आज 16 जोड़ी, 24 जोड़ी, 48 जोड़ी बनाने वाला और बेचने वाला जो व्यक्ति है, अगर वो इतना पैसे वाला या धनवान होता तो वो रिलायंस और टाटा बिरला ही बन जाता। आज आप उससे उसका स्वाभिमान छीन रहे हैं, उसके स्वाभिमान होने का अधिकार छीन रहे हैं, उसको भी स्वाभिमान से जीने का हक है। ये जो ज़मीन और आसमान है, भगवान ने सबको दिया है, पर आप उससे उसकी ज़मीन छीनना चाह रहे हैं कि तू खुले आसमान में आ जा। मैं इसका विरोध करता हूँ और सबसे अपील करता हूँ कि सर समाज के लोग हमारे साथ जुड़े और इस बात का आत्मनिर्णय लें। ये सोचें कि क्या ये सही हो रहा है कि एक छोटा व्यक्ति उसको आप और छोटा बनाते जा रहे हैं और जो पैसे वाला है उसको और पैसे वाला बनाते जा रहे हैं। तो क्या इस देश में लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास को क्या रहने का हक नहीं है? एक्चुअली क्या है कि ट्रांसफॉर्मेशन और हर चीज़ की ज़रूरत होती है। जिस तरीके से जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, वो ट्रांसफॉर्मेशन कर रही है, ट्रांसफॉर्मेशन टुवर्ड्स ट्रांसपेरेंसी कर रही है, उसको आने में परेशानियाँ होती हैं। और चूँकि व्यापार काफ़ी कुछ डिजिटलाइजेशन हो गया है, तो कंप्यूटर्स का ज्ञान, सॉफ्टवेयर्स का ज्ञान, कई तरीके के जो फॉर्म्स आ गए उनका ज्ञान, तो ये आज के तरीके से अच्छे जो नए आ रहे हैं उनको झंझट लगता है। पहले क्या था, आदमी सामान लिया, कैश ले लिया, अब उसको चूँकि एक पाइपलाइन के अंदर लाना है तो थोड़ा सा आदमी झंझट रखता है। लेकिन उम्मीद है, हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं, सरकार को लिखते रहते हैं, बहुत कुछ होगा, नया होगा, अच्छा होगा। सम्मान समारोह में शामिल वरिष्ठ फिल्म गीतकार संजय दुबे ने दोनों युवा नेताओं को सुखद भविष्य की शुभकामना। देखिए, नाम जरूर टाइगर स्पोर्ट्स क्लब है, मगर ये विशुद्ध रूप से एक सामाजिक क्लब है और जो समाज में इस तरह की प्रतिभाएं हैं उनका हम समय समय पर स्वागत करते रहते हैं। कुछ दिन पहले हमने कलाकारों का भी स्वागत किया था और उसके बाद हमने नव व्यवसायियों का, जो पदाधिकारी बने, इनका स्वागत किया। और कई सारे सामाजिक कार्यों में हम लोग हमेशा अग्रणी रहते हैं, हमारा क्लब अग्रणी रहता है। नाम स्पोर्ट्स क्लब जरूर है और देखिए इनका स्वागत बनता है क्योंकि इन्होंने वो उपलब्धियाँ पाई हैं। ये युवा लोग हैं, युवा लोग जब तक राजनीति में नहीं आएंगे समाज में सुधार नहीं आएगा, परिवर्तन नहीं आ सकता, और युवाओं का प्रोत्साहन करना राजनीति में बहुत ज़रूरी है। टाइगर स्पोर्ट्स क्लब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, सम्मान दिया, और हमारे साथ साथ आगरा शू फेडरेशन के अध्यक्ष जी, अध्यक्ष हैं, उनका भी सम्मान किया, श्री विजय सामा जी का। और अभी पिछले जो एक महीने पहले चुनाव हुए थे उसमें अध्यक्ष जी और महामंत्री जी, हम दोनों निर्विरोध अध्यक्ष और महामंत्री चुने गए हैं। सदैव पिछले 9 साल से हम कमेटी से अपने जुड़े हुए हैं और आगे जो पिछले कई सालों से हम कार्य करते आए हैं व्यापारियों के हित में, आगे भी और कार्य करते रहेंगे। जेल रेस्टोरेंट में आयोजित सम्मान समारोह में फिल्म निर्माता रंजीत सामा, समाज सेवी नीरज तिवारी, संजय गोयल, अजय शर्मा, हास्य कवि पवन आगरी, गायिका सुजाता शर्मा मौजूद रहीं। सी न्यूज के लिए अजय बहादुर की रिपोर्ट। आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें।